हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डबल कलर का डिज़ाइन। देखिए, इसे आप बड़ों के या बच्चों के स्वेटर में कहीं पर भी डाल सकते हैं। और ये मैंने यहाँ इतने बड़े बड़े ये लहरिया जैसे बनाए हैं, ये जिगजैग की तरह। आप चाहें तो इनको और थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं या बड़ा बना सकते हैं, या इस तरह से इसको ऐसे ऐसे लेते हुए ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको। ये देखिए, सिर्फ दो फंदों से ये डाल सकते हैं आप इसमें। आप इसमें ऑड नंबर में या इवन नंबर में कितने भी फंदे डालिए, आप ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं। तो हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। सबसे पहली सिलाई हमें दो दो फंदे, दोनों कलर के दो फंदे, ब्लैक दो येलो, दो ब्लैक दो येलो, इस तरह से हमें ये सिलाई पूरी करनी है। दो ब्लैक बुनेंगे, दो येलो बुनेंगे, दो ब्लैक बुनेंगे, दो येलो बुनेंगे और ये दो ब्लैक। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो उल्टी सिलाई हम बुनेंगे, इसकी हर उल्टी सिलाई पे हमें यही करना है कि जो ब्लैक है वो ब्लैक बुनेंगे, जो येलो है वो येलो बुनेंगे। इसकी हर उल्टी सिलाई इसी तरीके से बनाई जाएगी। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने कर ली उसी तरीके से, जहाँ ब्लैक था वहाँ ब्लैक, जहाँ येलो था वहाँ येलो। अब हम इसकी तीसरी सिलाई शुरू करेंगे। अब की बार हमें ये फंदा इधर इस तरफ करना है, तो हम यहाँ एक फंदा ब्लैक बुनेंगे, दो नहीं बुनेंगे ये। और उसके बाद हम पूरी सिलाई उसी तरीके से करेंगे, दो येलो दो ब्लैक। ये एक येलो में से आएगा और एक ये ब्लैक में से आएगा। इस तरह से ये इस तरफ जाएंगी धारी। दो ब्लैक और दो येलो, इसी तरह से हम सिलाई पूरी करेंगे। और उल्टी सिलाई हम उसी तरीके से बुनेंगे, जहां ब्लैक है वहां ब्लैक बुनेंगे, जहां येलो है वहां येलो बुनेंगे। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हमने पूरी कर ली। अब हमारी ये दो डिजाइन बन गए इस तरह से। अब आपको जितना बड़ा ये लहरिया ये जिगजैग बनाना है आपको, आप इसको उतनी बार इसी तरीके से बुनते जाएंगे, एक एक फंदा इधर का लेते जाएंगे और उधर से फिर वे दूसरा लहरिया शुरू होता जाएगा और इधर का ख़त्म होता जाएगा। देखिए, अब यहाँ कोई ब्लैक नहीं लेना है हमें। शुरू में दो फंदे येलो आ जाएंगे, दो ब्लैक, दो येलो, दो ब्लैक, दो येलो। इसी तरह से हम ये सिलाई पूरी करेंगे और उल्टी सिलाई फिर उसी तरीके से करेंगे। ब्लैक के ऊपर ब्लैक, जो फंदे ब्लैक हैं वो ब्लैक बुनेंगे, जो फंदे येलो हैं वो येलो बुनेंगे। ये देखिए, ये अब हमारे तीसरे डिज़ाइन हो चुका है ये यहाँ से। अब हम फिर से वही करेंगे, एक फंदा इधर लेंगे, ये येलो हो जाएगा और ये एक ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह से हम ये पूरी सीधी सिलाई कर लेंगे और उल्टी सिलाई फिर उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनना है उल्टी सिलाई में। देखिए, ये देखिए, ये अब हमारे चार डिजाइन पूरे हो चुके हैं। हमें ये अब उसको इसी तरह से बुनते जाना है, एक एक फंदा इधर लेते हुए, जितना बड़ा भी आप इसे बनाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने 8 के बाद घुमाया है, ये डिजाइन है, एक दो
तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद मैंने ये लाइन इस तरफ से शुरू की है। यहाँ मेरे ये चार हो चुके हैं। मैं चार के बाद आपको बताती हूँ कि ये इधर कैसे करना है। आपको इधर ही बुनते हुए जितना बड़ा भी ये बनाना चाहें आप उतना बड़ा बना सकते हैं, और अगर आप ये इस तरफ से ना घुमाना चाहें, आप सिर्फ आड़ी आड़ी ऐसे लाइनें भी बनाएं तो वो भी बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि हम इसे इस तरफ कैसे घुमाएंगे। देखिए ये जो पीला फंदा है, अब हम इसको उस तरफ घुमाना है हमें। हम ये फंदा लेंगे, जब हम इस तरफ ला रहे हैं तो हम ये वाला ब्लैक और ये येलो मिला के ये दोनों ब्लैक बनाएंगे, लेकिन अब हम उस तरफ लेके जा रहे हैं तो हम ये उधर का फंदा लेंगे, एक ये वाला और एक इसके उधर का। ये देखिए इस तरह से, फिर से दो पे येलो, दो ब्लैक, इसी तरह से हम ये सिलाई पूरी करेंगे। और उल्टी सिलाई यहाँ पर भी हमें वही करनी है, जो ब्लैक फंदे हैं वो ब्लैक बुनेंगे, जो येलो फंदे हैं वो येलो बुनेंगे। ये देखिए ये हो गई सिलाई पूरी। अब हम उल्टी सिलाई उसी तरीके से करेंगे। ये देखिए ये उल्टी सिलाई कर ली हमने, अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। अब हमें उस तरफ जाना है तो हम ये एक फंदा यहाँ से ब्लैक कर लेंगे, दो फंदे येलो, दो ब्लैक, इसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे, दो ब्लैक दो येलो ये बुनते हुए। ये देखिए ये एक लहरिया जैसा बन गया। यहाँ से हम एक बार और इधर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने ये गिनेंगे एक दो तीन चार, और इसको हम गिनेंगे यहाँ से एक दो तीन बार हो गया। ये एक बार और लेंगे तो ये लहरिया पूरा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने चार में बनाया है उस डिज़ाइन में मैंने, और यहाँ मैंने ये आठ में बनाया है। आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। इसको ग्राफ पैटर्न है ये, इसकी वीडियो में आपको ग्राफ मिल जाएगा, ग्राफ में देख के आप इसको आसानी से डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।